शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। लेकिन विद्यालय में शिक्षक ही न पहुंचे तो कैसी शिक्षा। साहेबगंज जिले के गुड्डा पहाड़ गांव में 2 वर्षों से शिक्षक का कोई अता पता नहीं है, जिसके कारण 35 बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। मैं शिखा, ये है मेरा पहाड़िया समुदाय। स्कूल कितने दिन से बंद है यहाँ पर? स्कूल बंद है सर आपका 2 साल से बंद है, कभी आता है कभी नहीं आता है। स्कूल विद्यालय बना हुआ है यहाँ पे? बना हुआ है विद्यालय। अच्छा, मास्टर का क्या नाम है? गंगाराम। और कितना मास्टर है? 1 है। बच्चा कितना है? बच्चा वही 36-37। तो मास्टर ऐसे कितने कब आया था? मास्टर वही 26 जनवरी का आया था, 15 अगस्त का आया था, इसके बाद आजकल नहीं आता। अच्छा, तो अगर आता है तो खिचड़ी उचड़ी बनती है? नहीं, कहाँ खिचड़ी बनाता है। कोई राशन? नहीं, कोई चीज़ नहीं। कब बना था स्कूल? स्कूल 2003 में। अच्छा, उसके बाद शुरू शुरू में आया कि नहीं आया? हाँ, शुरू शुरू में पहले शुरुआत का समय तो आता था। वही मास्टर था दिखाने के लिए? अच्छा, वही मास्टर था। वही मास्टर है। तो शुरू में आता था तो पढ़ाता था बच्चों को? हाँ, शुरू में मैंने देखावटी के लिए पढ़ाता था। अच्छा, आंगनबाड़ी है यहाँ पे? नहीं, आंगनबाड़ी के अंदर नहीं। 0 से 6 साल का कितना बच्चा होगा लगभग? 0 से 6 साल का कम से कम 20-25 से कम नहीं है। टीचर आता उसको कहीं भी कुछ बोले? बोलता हमको नहीं हुआ, मास्टर नहीं हुआ, बहाली नहीं हुआ, तो आने के लिए हम वही दिक्कत करते। अच्छा, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन? अध्यक्ष अध्यक्ष है। तो पैसा निकालता है कि नहीं निकालता? निकालता है, तो वही निकालता है, अध्यक्ष निकालता है। तो टीचर नहीं तो पैसा कैसे मिलता है उसको? हाँ, तो कैसे निकालता है? टीचर नहीं है तो पैसा कैसे निकालता है? पैसा तो बराबर निकालता है ना। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि ये समस्या मेरे समुदाय की है। और कौन सा कानून यह कहता है कि शिक्षक बच्चों को बिना पढ़ाए ही सरकार से वेतन दे। इसलिए मैं और मेरे समुदाय के लोग यह चाहते हैं कि अनुपस्थित शिक्षक गंगाराम को हटाकर यहाँ नया शिक्षक बहाल किया जाए। इसलिए आप सभी वीडियो देखने वालों से मैं विनती करती हूँ कि साहेबगंज जिले के शिक्षक अधीक्षक श्री गोविंद सिंह को मोबाइल नंबर 7543092929 पर फ़ोन करके दबाव बनाएं ताकि यहां पर एक नया शिक्षक बहाल किया जाए। मैं शिखा कुमारी पहाड़ी, जिला साहेबगंज, झारखंड से, इंडिया अनहट के लिए।